खूबसूरत टैलेंटेड और कमाल की अदाकारा दीपिका पादुकोण भले रणवीर सिंह साहब को डेट कर रही हैं, दोनों का रिलेशन चल रहा है, सगाई की खबरें भी जोरों पर है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब रणबीर कपूर को डेट कर रही थी और उस वक्त उन्होंने बनाई थी एक हनीमून प्लानिंग। क्या थी हनीमून की प्लानिंग बताते हैं आपको। हेलो नमस्कार, आदाब, मैं हूं अभिषेक, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। दीपिका पादुकोण जो कि आज यानी कि 5 जनवरी 2018 को अपना 32वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्ट्रेस, सबसे ज्यादा फी चार्ज करने वाली एक्ट्रेस और जाने कितने खिताब है दीपिका पादुकोण के नाम उनके टैलेंट के नाम। आज भले इनकी बॉन्डिंग रणवीर सिंह के साथ बेहद तगड़ी हो, लेकिन एक जमाना ऐसा भी था जब दीपिका और रणबीर कपूर के लव अफेयर्स के चर्चे खुलेआम थे। ये दोनों एक्सेप्ट करते थे और मीडिया से भी इस बारे में बात करते थे। दरअसल दीपिका और रणबीर कपूर के साथ में फिल्म आई थी बचना है हसीनो, उसी की प्रमोशन के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और अपने हनीमून की प्लानिंग बताई। उन्होंने कहा कि हम तकरीबन 10 दिन तक इटली में रहे, वहां पर हमने एक रोमांटिक गाना भी शूट किया और इटली ऐसी जगह है जहां पर आपको खूब मजा आता है, बेहद खूबसूरत लोकेशंस हैं। और इसी तरीके से दीपिका ने उस खूबसूरत लोकेशन पर अपने हनीमून की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि मैं रणबीर कपूर के साथ यहीं पर अपना हनीमून, अपने हॉलीडेज सेलिब्रेट करना चाहती हूं। बहरहाल बचना हसीनो फिल्म की शूटिंग के दौरान दीपिका और रणबीर ने कई जगह पर साथ में टूर किया, अलग अलग कंट्रीज में गए, जैसे कि सिडनी जहां पर वो 25 दिनों तक साथ में रहे, खुदा जाने सॉन्ग शूट हुआ, उसी के बाद इटली भी जाना हुआ। तो इस तरीके से दीपिका की उस वक्त इच्छा थी कि जब वो अपने हनीमून पर जाएंगी तो इटली जाएंगी। बहरहाल रणबीर कपूर के साथ दीपिका की इच्छा तो पूरी नहीं हुई, दोनों का ब्रेकअप हो गया, लेकिन रणवीर सिंह के साथ दीपिका की फिलहाल सगाई की चर्चाएं चल रही। हो सकता है बहुत जल्द ये लोग भी गुपचुप शादी कर लें और उसके बाद दीपिका का इटली में हनीमून का सपना पूरा हो जाए। पर अभी दीपिका के चाहने वाले, उनके करीबी सभी उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं बड़े धूमधाम से। फिल्मी बीट के इस वीडियो में इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को।